नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो अव्यय अपनी क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज हम जीत जाएंगे, लड़का दूर खड़ा था, छात्र धीरे धीरे चल रहे हैं, उसने अधिक पढ़ाई की। इन वाक्यों में आज, दूर, धीरे धीरे, अधिक यह अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के आधार पर, दूसरा, रूप के आधार पर और तीसरा, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है, साधारण क्रिया विशेषण अव्यय, संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय, अनुबद्ध क्रिया विशेषण अव्यय। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है, मूल क्रिया विशेषण अव्यय, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है, समयवाचक, अवधिवाचक और पौन पुण्यवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के दो भेद है, स्थितिवाचक, दिशावाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के पांच भेद है, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के नौ भेद है, आकस्मिकतात्मक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, स्वीकारात्मक, कारणात्मक, निषेधात्मक, अवधारक, निष्कर्ष और आवृत्त्यात्मक। अब हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के भेद और उपभेद देखेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय संबंधित क्रिया का समय सूचित कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मेरा दोस्त सुबह आया, हम कल स्कूल जाएंगे, पड़ोसी तुरंत चला गया, रात भर पानी बरसता रहा, आज दीपावली का त्योहार है। इन वाक्यों में सुबह, कल, तुरंत, रात भर, आज यह शब्द संबंधित क्रिया का समय सूचित कर उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कब, इस प्रश्नवाचक शब्द से आप अगर प्रश्न पूछोगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ऐसा समझ लेना। जैसे पहला वाक्य देखो, मेरा दोस्त सुबह आया, मेरा दोस्त कब आया, तो जवाब है सुबह, इसलिए सुबह यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह आज, कल, परसों, पहले, अब तक, अभी अभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, तब, अभी, कभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार, यह सभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के तीन भेद है,
उसमें से पहला भेद समयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया विशेषण अव्यय में हमें क्रिया के समय का बोध होता है वह समयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे आज, कल, अभी, फिर, तुरंत, सवेरे, प्रथम, आखिर, कब, पहले आदि। वाक्य देखिए, शाम कल शहर जाएगा, मुझे अभी पैसे चाहिए, वह फिर आया था। इन वाक्यों में कल, अभी, फिर इन क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के समय का बोध होता है, इसलिए यह अव्यय समयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है अवधिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के अवधि का बोध होता है उसे अवधिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे नित्य, रात भर, अब तक, कभी कभी, लगातार, आजकल, सदा, निरंतर आदि। वाक्य देखिए, रमेश नित्य पाठशाला जाता है, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, आजकल मौसम ठीक नहीं है। इन वाक्यों में नित्य, लगातार, आजकल इन क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के अवधि का पता चलता है, इसलिए ये अवधिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है पौनःपुन्यवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से हमें एक ही क्रिया बार बार हो रही है इसका बोध होता है उसे पौनःपुन्यवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, हर बार, बार बार, कई बार, अक्सर आदि। वाक्य देखिए, दीपक प्रतिदिन पढ़ाई करता है, तुम बार बार याद आते हो, मैंने प्रिया को कई बार यहाँ देखा। इन वाक्यों में प्रतिदिन, बार बार, कई बार इन क्रिया विशेषण अव्यय से हमें एक ही क्रिया बार बार हो रही है इसका पता चलता है, इसीलिए ये पौनःपुन्यवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय संबंधित क्रिया का स्थान सूचित करते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे लड़की दूर खड़ी थी, ट्रेन आगे चली गई, सामने नदी बह रही है, राघव कहाँ गया, उधर जाना मना है। इन वाक्यों में दूर, आगे, सामने, कहाँ, उधर यह शब्द संबंधित क्रिया का स्थान सूचित करते हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के वाक्यों में अगर कहाँ इस प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछा जाए तो जो जवाब आएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे पहला वाक्य देखो, लड़की दूर खड़ी थी, लड़की कहाँ खड़ी थी, तो जवाब आएगा दूर, इसीलिए दूर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस और, उस और, इधर, उधर, दाएं, बाएं, दाहिने, यह सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के दो भेद है, उसमें से पहला स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के स्थिति का बोध होता है उसे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, पास आदि। वाक्य देखिए, वहाँ जाना मना है, घर के आगे
फूल के पौधे है, पाठशाला दुकान के पास है। इन वाक्यों में वहां, आगे, पास, इन अव्ययों से हमें क्रिया के स्थिति का बोध होता है, इसलिए यह स्थितिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के दिशा का बोध होता है उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इधर, उधर, दाहिने, बाएं, दूर, जिधर, चारों ओर, चारों तरफ, इस तरफ आदि। वाक्य देखिए, तुम्हारे दाहिने बाजू किताब है, घर के चारों तरफ अंधेरा है, अंजलि दुकान से दूर खड़ी थी। इन वाक्यों में दाहिने, चारों तरफ, दूर, इन अव्यय से हमें क्रिया के दिशा का पता चलता है, इसीलिए ये दिशावाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय संबंधित क्रिया के परिमाण का अर्थात मात्रा का निर्देश करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राधा बहुत बोलती है, हम खूब खेले, उसने अधिक पढ़ाई की, आप लोग एक एक करके कक्षा में आओ, जितना मिले उतना ले लो। इन वाक्यों में बहुत, खूब, अधिक, एक एक करके, जितना, उतना, यह शब्द संबंधित क्रिया के परिमाण यानी मात्रा बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के वाक्यों में हम कितना, इस प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछेंगे तो जो जवाब आएगा वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे पहला वाक्य देखो, राधा बहुत बोलती है, राधा कितना बोलती है, तो जवाब आएगा बहुत, इसीलिए बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह अधिक, पूर्णता, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, जरा, बहुत, खूब, बिल्कुल, ज्यादा, अल्प, बड़ा, भारी, लगभग, यह सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के पांच भेद है, उनमें से पहला अधिकता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अधिकता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हमें अधिक मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे बहुत, बड़ा, भारी, अति, खूब, अत्यंत, बिल्कुल आदि। वाक्य देखिए, रास्ते पर बहुत भीड़ थी, यह झुमका अति सुंदर है, गाड़ी बिल्कुल चौराहे पर खड़ी थी। इन वाक्यों में बहुत, अति, बिल्कुल, यह अधिकता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हमें न्यूनता का बोध कराते हैं, न्यूनता अर्थात कम या थोड़ा। जैसे कुछ, थोड़ा, लगभग, जरा, किंचित आदि। वाक्य देखिए, घर में कुछ तो होगा, मुझे थोड़ा पानी दे दो, तुम जरा सामने देखो। इन वाक्यों में कुछ, थोड़ा, जरा, यह न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमें पर्याप्तता का बोध कराते हैं, जैसे केवल, ठीक, बस, काफी, बराबर आदि। वाक्य देखिए, वहां केवल सूखे पेड़ ही थे, बैंक ठीक 10 बजे खुलेगी, दिनेश काफी समय से गया है,
इन वाक्यों में केवल, ठीक, काफी यह पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा भेद है तुलनावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तुलनावाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमें तुलना का बोध कराते हैं, जैसे इतना, उतना, जितना, कम, अधिक, बढ़कर। वाक्य देखिए, इस रास्ते पेड़ कम ही है, मालिक ने इस माह अधिक पैसे दिए हैं, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। इन वाक्यों में कम, अधिक, बढ़कर यह तुलनावाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का पांचवा भेद है श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमें श्रेणी का बोध कराते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से, यथाक्रम, एक एक करके। वाक्य देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा पीना है, तुम बारी बारी से अंदर आओ, सब छात्र एक एक करके घर जाओ। इन वाक्यों में थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से, एक एक करके यह श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय संबंधित क्रिया के होने का तरीका, विधि या ढंग बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राकेश मोहन को फटाफट मार रहा था, सुभाष धीरे से चला गया, इसीलिए गोलियां चलने लगी, छात्र जैसे तैसे बैठे रहे, शायद उसे कुछ काम था। इन वाक्यों में फटाफट, धीरे, इसीलिए, जैसे तैसे, शायद यह शब्द संबंधित क्रिया का ढंग बताते हैं, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्ययों के वाक्यों में कैसे इस प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछोगे तो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिलेगा। जैसे पहला वाक्य देखो, राकेश मोहन को फटाफट मार रहा था। राकेश मोहन को कैसे मार रहा था, तो जवाब आएगा फटाफट, इसीलिए फटाफट यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसी तरह सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे, वैसे, सहसा, तेज, सचमुच, झूठ, धीरे, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से, यह सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के नौ भेद है, उसमें से पहला आकस्मिकतात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, यह क्रिया विशेषण शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी क्रिया के आकस्मिक होने का बोध होता है। वाक्य देखिए, सहसा उसके पैर में कांटा चुभ गया, अचानक रास्ते का काम शुरू हो गया, एकाएक वह बेहोश हो गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा भेद है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अवश्य, निसंदेह, सही, सचमुच, धीरे, बेशक, जरूर, जैसे तैसे, फटाफट, यह क्रिया विशेषण शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें कोई निश्चय व्यक्त करना होता है। वाक्य देखिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। निसंदेह, तुम भरोसा कर सकते हो। सचमुच, आप मेरे लिए भगवान हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कदाचित, शायद, यथासंभव, संभवता, बहुत कर, अक्सर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का तब प्रयोग होता है जब हमें क्रिया के होने की अनिश्चितता होती है। वाक्य देखिए, राम शायद घर में होगा, संभवता बाजार में मंदी होगी, कदाचित मैंने तुम्हें कहीं देखा है।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा भेद है स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। जी हाँ, सच, अच्छा, ठीक, बिल्कुल। किसी भी क्रिया के होने को स्वीकारने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखिए। जी आज से मैं हर बात मानूंगा। हाँ अभी बाजार में भीड़ होगी। आप ठीक सोच रहे हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का पांचवा भेद है कारणात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। क्योंकि, किस लिए, क्यों, काहे को। यह क्रिया विशेषण अव्यय तब प्रयोग किए जाते हैं जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना होता है। वाक्य देखिए। तुम बाहर किस लिए गए थे। रामू काका तुम काहे को आए। तुम खड़े क्यों हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का छठवां भेद है निषेधात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। नहीं, मत, न। इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हम किसी क्रिया के होने को नकारने के लिए करते हैं। वाक्य देखिए। मैंने पत्र नहीं लिखा। तुम यह काम मत करो। जाओ न। रुक क्यों गए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का सातवां भेद है अवधारक क्रिया विशेषण अव्यय। तो, भी, तक, मात्र, भर, सा, ही। वाक्य देखिए। तुम तो छत पर गए थे। इस काम को तुम भी कर सकते हो। शाम तक रुक जाओ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का आठवां भेद है निष्कर्ष क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए यह निष्कर्ष क्रिया विशेषण अव्यय है। इस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग निष्कर्ष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वाक्य देखिए। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए वह सो गया। तुम पास हो जाओ इसलिए मंदिर गया था। पैसे निकालने हैं इसलिए बैंक जा रहा हूँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का नौवां भेद है आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण अव्यय। गटागट, धड़ाधड़, यह आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण अव्यय है। किसी भी क्रिया में निरंतरता दिखाने के लिए आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखिए। रामू खीर गटागट पी गया। वहां से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। विशाल ने थकने पर गटागट पानी पिया। धन्यवाद दोस्तों।